न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। गोद लिए बेटे के साथ हमबिस्तर हुई मिली सौतेली माँ, नशीली ड्रिंक पिलाकर पति से किया गया रेप। एक तरफ हो रहा था अंतिम संस्कार और दूसरी तरफ मामा ने भांजी के साथ किया बलात्कार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गोद लिए बेटे के साथ हमबिस्तर नजर आई महिला नेता चर्चा का विषय बनी हुई है। वह महिला को अपने ही गोद लिए बेटे के साथ प्रेम संबंध बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 75 साल की प्रोपाइडेंस चेवोलेडिट का अपने 24 साल के गोद लिए साधु बेटे का प्रहार के साथ संबंध उजागर हुआ है। उन दोनों के बीच चल रहे अफेयर की जानकारी महिला नेता के पति का साधु बेटे का महान के साथ संबंध उजागर हुआ है। उन दोनों के बीच चल रहे अफेयर की जानकारी महिला नेता के पति को सबसे पहले लग गई थी। जब उसने उन दोनों को कमरे में देखा था, पति को पहले से ही शक था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। जानकारी यह सामने आई है कि दोनों पति और पत्नी के बेटे महाप्रफोद को 2 साल पहले ही गोद लिया था। इस खबर के सामने आने के बाद थाईलैंड में सोशल मीडिया लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे। थाईलैंड के सुखायदी प्रापंत लोकप्रिय राजा नेता मानी जाती है। साउथ चाइनीज मोरकंडेट के मुताबिक उन्होंने अपने गोद लिए बेटे के साथ बिस्तर पर पकड़ा गया था। इस मामले में जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। एक्स के एक यूजर ने लिखा था कि यह बहुत चौंकाने वाली खबर है, अमेरियो की दुनिया ऐसी होनी चाहिए। इस एक यूजर ने यह भी लिखा था कि इतनी गड़बड़ है कि यह गोद लेने के बजाय एक लड़के खिलौना रखते हैं जैसे कि इन्होंने किया है। ऐसा होता तो ना कि देश चलता और ना ही इन्होंने किसी भी तरह की स्वतंत्रता मिल पाती। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नशीली ड्रिंक पिलाकर पति ने किया रेप, ब्लैकमेलिंग के लिए बनाया गया MMS। कभी सोचा है कि कोई महिला सिर्फ पैसों के लिए अपने पति से ऐसा घिनौना काम करा सकती है जिसके सजा कई सालों की जेल हो सकती है? अगर नहीं तो ये कहानी आपके लिए है। मुंबई में एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन ने अपने आंखों के सामने एक लड़की का रेप करवा दिया, वह भी किसी और से नहीं बल्कि अपने ही पति से। एक ब्यूटी पार्लर के 22 साल की क्लाइंट को नशीली दवा पिलाकर उन्होंने अपने ही पति से उसका रेप कराया। आरोपी महिला यही नहीं रुकी, उसने लड़की के रेप का वीडियो भी बनाया। वीडियो में उसके पति ने नजर ना आने से बचा लिया। महिला पीड़ित लड़की को धमका रही थी कि उसे मुंह खोला तो वीडियो वायरल कर देंगी। उन्होंने वीडियो के जरिए पीड़ित को ब्लैकमेल किया और पैसे मांगे। महिला पीड़ित को पहले से ही जानती थी। पुलिस ने कहा है कि पीड़ित महिला इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती है। उसे रविवार को उसके पास आरोपी महिला के कॉल किया और उसे घर बुला लिया। जब पीड़ित वहां पहुंची तो बातचीत के बाद उन्होंने एक स्टारलिंक PA के दौरान उसे यह वीडियो दिखाया। थोड़ी देर बाद वह बेशुद्ध हो गई। आरोपी महिला ने अपने पति का बुलाया और उसका रेप किया। साथ ही साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दोनों को हिरासत में लिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ हो रहा था अंतिम संस्कार और दूसरी तरफ मामा ने अपनी ही भांजी के साथ किया बलात्कार। राजस्थान के भावड़ा में मामा ने 16 साल की नाबालिग भांजी के साथ घर में दुष्कर्म किया। रोती हुई बेटी मां को हैवानियत की घटना बताने का कलेजा फट गया। घटना मंगलवार शाम बेरोड थाना क्षेत्र में हुई। सूचना के बाद पुलिस ने देर रात लड़की का मेडिकल करवाया। घटना के बाद मामा मौके के फरार हो गया। वही आरोपी मामा की पुलिस तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार बारूस क्षेत्र की रहने वाली लड़की बहौर में नारोल रोड पड़ोसी कॉलोनी के माता पिता और भाई के साथ किराए के घर पर रहती थी। इसी कॉलोनी में कुछ दूरी नाना और मामा जी रहते थे। मंगलवार की रात लड़की की नानी का देहांत हो गया। नाना ने अपने छोटे भाई के बेटे को कॉल करके बताया कि दादी का निधन हो गया है। उसके बाद आरोपी अपने ताऊ के घर गया। यहाँ भांजे सहित पूरा परिवार था, अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। घर में सतून होने से नाना ने मामा से कहा कि लड्डू गोपाल जी मूर्ति लेकर भांजी को घर छोड़ाने की बजाय भांजी और मामा दोनों बाइक से कान्हा जी को लेकर चले गए। कुछ देर बाद वह वापस आरोपी मामा घर आ गया और बरहोड़ में शव को लेकर पैतुल गांव अंतिम संस्कार करने को लेकर चले गए। परिवार घर जब वापस लौटा तो बेटी ने अपनी मां को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद दोनों ने परिवार को बीच कहासुनी हुई और साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड कीजिए। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।